अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में दो बातें बयान करनी हैं जो आवाम में कुछ गलत अंदाज में मशहूर हैं जबकि अहादीस से ऐसा साबित नहीं है। आवाम में क्या मशहूर है? आवाम में ये मशहूर है कि क़यामत जुमे के दिन वाक़े होगी, एक बात ये मशहूर है। और दूसरी बात ये मशहूर है कि जिस जुमे को क़यामत वाक़े होगी उस जुमे के दिन 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख होगी, यानी वो यौम आशूरा होगा। यौम आशूरा होगा और जुमे का दिन होगा तो क़यामत वाक़े होगी, आवाम में ऐसा मशहूर है। क्या ये दोनों बातें सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है, और कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये आप आज क्लियर कर लीजिए। याद रखें अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है और हुजूर ने अपने अक्वाल में ये बात बयान की है कि क़यामत जुमे के दिन वाक़े होगी। जिस दिन क़यामत वाक़े होगी वो जुमे का दिन होगा, ये तो साबित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है कि उस जुमे को मुहर्रम की 10 तारीख होगी यानी यौम आशूरा होगा, इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये रिवायत और ये हदीस सही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात नहीं इरशाद फरमाई है, यह घड़ी हुई हदीस है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है ये बात कि जिस जुमे के दिन क़यामत वाक़े होगी उस जुमे में मुहर्रम की 10 तारीख ही हो, ऐसा यकीनी नहीं है। बल्कि ये गलत बात लोगों की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब की गई है कि क़यामत जो उस दिन वाक़े होगी जब जुमे का दिन होगा और उस जुमे में मुहर्रम की 10 तारीख होगी। ये दूसरी वाली बात सही नहीं है, रिवायात से पहली बात साबित है, यानी क़यामत जुमे के दिन वाक़े होगी। इसलिए जो गलत मालूमात हम शेयर की जाती हैं या गलत मालूमात हैं उनकी इसलाह के लिए ये मैंने आपकी खिदमत में क्लियर किया है, वरना ये कोई इतनी अहम बात नहीं है जिसके बग़ैर हमारी कोई गाड़ी अटक रही हो कि क़यामत कब वाक़े होगी। असल तो ये है कि जब भी वाक़े होगी, जुमे का दिन हो या कोई और दिन हो, मुहर्रम की 10 तारीख हो या और कोई तारीख हो, जब भी आए उससे आने से पहले पहले हमें उसके आने की जो तैयारियां हैं वो तैयारी करनी चाहिए। असल बात तो ये है, लेकिन वो गलत जो बात मशहूर है उसको क्लियर करने के लिए ये मैंने आपकी खिदमत में वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।